गीता जी एक बात बताइए कि आप जन जन तक जाते हैं और संविधान का पाठ पढ़ाते हैं, आपने जबकि खूब अच्छे से संविधान को पढ़ा है, तो इसको घर तक क्यों नहीं रखना चाहिए, संविधान को सब तक क्यों पहुंचाना चाहिए? घर तक नहीं रखना चाहिए, ये तो बड़ा अटपटा क्वेश्चन हुआ। घर तक नहीं रखना जी, क्योंकि देखो सब लोगों को समझ लेना चाहिए, पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, संतरी हो, या एक वो बच्चा जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ये सब संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। अभी 25-26 तारीख को लोग सम्मान दिवस मना रहे हैं, ये सरकार की ड्यूटी भी बनती है कि सम्मान दिवस मनाया जाए, क्योंकि ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। जब तक हम अपने इस राष्ट्रीय पर्व को लोगों को जन जन तक नहीं बताएंगे संविधान है क्या, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, संविधान की मूल आवश्यकताएं क्या हैं, वो कहाँ कहाँ लोगों को पूरा किए जाती हैं, तब तक हमारा समाज का शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग आगे नहीं मिलेगा, तो वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। गीता जी एक बात बताइए, संविधान का जो दर्द है वो सिर्फ बहुजन के लोगों को ही क्यों समझ में आता है, जबकि पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास में रखे हुए उसके बाद संविधान को जलाया दिया जाता है, तो नेता अभिनेता उस पर कोई भी विवाद नहीं करते हैं, तो ये जो सिर्फ लोग करते हैं वो बहुजन समाज के ही लोग क्यों करते हैं, और क्या इसको जलाना ठीक है नहीं है वो बताएं। देखिए ये हमारा सुप्रीम लॉ है, जैसे कि मैंने अभी कहा जी, अगर इसी को ख़त्म कर देंगे तो देश कैसे चलेगा। तो ये तो जो जिन लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो ना समझ लोग, जिन्होंने संविधान को जला दिया, ये उनकी ना समझी थी, क्योंकि एक सिर्फ बहुजन समाज ही तो गवर्न थोड़ी होता है इससे हर कोई गवर्न होता है, जैसे मैंने भी पहले बताया, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, ये हमारा सुप्रीम लॉ है।